भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं जनपद संभल के जिला मुख्यालय बहजोई पर एकत्रित हुए, जिसमें गन्ना के रेट में प्रदेश सरकार द्वारा मामूली वृद्धि करने पर जिला अधिकारी संभल के कार्यालय के सामने गन्ने की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की और सरकार को किसान विरोधी करार दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य चीनी मिलों से सरकार की मिली भगत के चलते गन्ना किसानों के हितों पर कुटाराघात किया गया है। पिछले साल जब पिछली सरकार ने 25 रुपए गन्ने के रेट बढ़ाए थे, तो हमारी जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इन्होंने ये कहा था कि गन्ने का रेट 450 रुपए होना चाहिए, और इन्होंने अपना जो संकल्प पत्र है, जो चुनाव हुए तो उन्होंने हमसे ये वादा किया था किसानों से कि हम तुम किसानों को उनकी फसल की लागत में जो लागत आएगी 50% मुनाफा जोड़ के उन्हें पैसा देंगे। आज हमारा 50% जोड़ने के बाद गन्ना बैठता है 450, इन्होंने बनाया 10 रुपया। इससे किसानों माकरूस है, भाई डीजल के रेट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए, कीटनाशक दवाइयों के रेट बढ़ गए और गन्ने पर हमारे मात्र 10 रुपये बनाए, तो इससे हमें ये रेट बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अब आगे आपकी क्या रणनीति है? आज हमारा जो प्रदर्शन हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय हो रहा है हाईकमान के निर्देश पर। अपनी चुनावी जनसभाओं में गन्ने का रेट, गन्ना बकाया, गन्ना घड़तोली को उठाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने में असफल रहे। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। मऊ में सीमा विवाद के चक्कर में एक लाश को 3 घंटे तक पोस्टमार्टम में जाने का रहा इंतजार। जी हां, ये सुनने में तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही हकीकत है। पूरा मामला रेलवे परिसर में स्थित लोको शेड का है, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक बोरा दिखाई दिया जिसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी। उन्होंने शोर मचाया और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर बोरे को खोला तो उसमें एक लाश थी, जिसके बाद रेलवे परिसर में हड़कंप मच गया। वही स्थानीय लोगों ने कोतवाली में फ़ोन किया और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि बोरे में लाश है और पूरी तरह से सड़ चुकी थी। रेलवे परिसर का मामला होने से कोतवाली पुलिस ने GRP पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन GRP पुलिस 3 घंटे के बाद पहुंची और खड़ी होकर तमाशा देखने लगी। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मामला है यूपी के जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के राजपुरा थाना खरका गांव स्थित यमुना बालू घाट का, जहां भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विनोद कटियार के संरक्षण में बालू खनन माफिया पोपलैंड और GCB मशीनों के माध्यम से यमुना से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खनन माफिया यमुना पट्टी के किनारे स्थित किसानों के खेतों से खड़ी फसलों का नष्ट करते हुए बालू लदे वाहनों को निकाल रहे हैं। तरीके से खनन करते हैं ये लोग? अब रात के मशीनें चलती, दिन के आदमी भर रहे हैं, और हम लोग वही अपराध में पड़े हैं। हमारे साथ में घटना भाई, हम परिवार सहित सब गाँव के सब लोग हुई गंजे थे, अवैध आदमियों ने ये केस किया, जो कि 17-15 गांव का आदमी हम के कह देखें, खाली घटिया के नीचे केस हुआ फोड़ तोड़, और हमारी मिट्टी पड़ी है ऊपर। अब उसमें हम क्या करें, हमें क्या दोष है? अखबार निकाल दो, 13 आदमी के नाम दे दे और 300 आदमी अज्ञात में। अरे हाँ, 365 हों, 300 तो हमें मालूम है, लेकिन अब उसको हम क्या करें? अब डरबस आदमी गाँव में नहीं रह पाऊ, हम लोग तो छाती लगाए अपना कार्यक्रम कर रहे घर पर, कैसे कि हमें तो भंडारा करने हैं। दूसरी बात, इसके बाद हम समझाएंगे उसको, देखेंगे भैया, एक दिन का हमको मौका नहीं मिला, जो हम कहूँ तक होए होते। कभी अधिकारी आए देखा? अधिकारी आते हैं वहीं से मुड़ जाते हैं, इनका इन अधिकारी घर है मोया, इनका अधिकारी तो आए गए हुए हैं, वहीं से लौट जाता अधिकारी। जब कोई किसान इसका विरोध करता है तो खनन माफिया उनको बंदूकधारियों का डर दिखाकर शांत करा देते हैं। इतना ही नहीं, जब किसान इसकी शिकायत अधिकारियों से करते हैं तो खनन माफियाओं की रहनुमाई कर रहे सत्ताधारी दल के विधायक विनोद कटियार अपने रसूख से जिला प्रशासन और पुलिस के माध्यम से किसानों के खिलाफ कार्रवाई करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से राहुल कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।
हमीरपुर जिले के मोदहा कस्बे के इछोली गांव में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके बाद उसके परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने मोदहा कस्बे में हुए लव जिहाद के कई मामलों को तूल देते हुए बेटी के पिता को न्याय दिलवाने की ठानते हुए लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पूरे गिरोह की निशानदेही करते हुए एसपी से कार्रवाई की मांग की। मोदा से कुछ व्यक्ति आए, कुछ उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता भी, इन्होंने कुछ मुद्दों पर ज्ञापन दिया है तो उस पर तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी। जो भी चीज़ें हैं तथ्य हैं वो सामने लाए जाएंगे और विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। इन्होंने एक ज्ञापन में ये भी दिया हुआ कि जिले में लव जिहाद का मामला फल फूल रहा है, आपकी तरफ से इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, इस पर जो इन्होंने बोला है लव जिहाद का, उसमें तो मुकदमे अगर जैसी भी जो चीज़ सामने आती है उसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है और कार्रवाई करी जाती है। थाने गए तो थाने में जो है तो हमको ये कहा कि अभी एक दो दिन में मतलब हम खबर लेते हैं, पता करते हैं, इसके बाद फिर बताते हैं। ये घर में आकर के रात में 10 बजे करीबन उसका मामा आकर के धमकी दिया कि अपनी जो है तो कागज वो जो है एप्लीकेशन वापस ले लो, नहीं हम तुम्हारा जो है मकान जला के राख कर देंगे। हमीरपुर जिला मुख्यालय बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता द्वारा प्रदर्शन करने की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं का ज्ञापन लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से शिवशक्ति सैनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते झोला छाप डॉक्टर हर तरफ पैट लगाए फैले हुए हैं। जिला रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के गांव ढोलसर के रहने वाले मोहर सिंह कश्यप के पेट में दर्द उठा। उसने पड़ोस के गांव मतवाली में झोला छाप डॉक्टर प्रेम को घर पर बुलवा लिया। झोला छाप डॉक्टर ने कुछ दवाई और दो इंजेक्शन मोहर सिंह के लगा दिए। इंजेक्शन लगने से मरीज को आराम तो नहीं आया, लेकिन बल्कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई। हालत नाजुक देख झोला छाप डॉक्टर प्रेम वहां से रफू चक्कर हो गया। देखते ही देखते मोहर सिंह ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। पेट में दर्द हो रहा था, पहले सीने में, मुंडे में आता है, ठीक है। फिर डॉक्टर के पास दवाई देने गया था, तो डॉक्टर दवाई दी तो जिसके लगाए थे, फिर इतनी देर में डॉक्टर को वापस पहुंचाने गया था, तभी इतनी देर में तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तो मतलब क्या लगता है कि डॉक्टर के इंजेक्शन से हुआ? डॉक्टर ने इंजेक्शन गलत लगाया। जो किस चीज का डॉक्टर है? वो आदमियों का भी इलाज करता है, जानवरों का भी करता है और खेत बाड़ी की दवाई भी बेचता है। वो कृषि की? अच्छा, क्या नाम है उसका? प्रेम डॉक्टर। प्रेम डॉक्टर। फिलहाल परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ पुलिस को सूचना दे दी है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। आगरा के थाना सदर के सेवला ओम एनक्लेव में 22 साल की युवती का गला रेत कर हत्या कर दी गई। युवती आगरा कॉलेज से बीएससी की छात्रा थी। युवती की रक्त रंजित लाश कोठी में ही उसके कमरे में मिली। बता दें कि सेवला सदर के ओम एनक्लेव में रवि वर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। रवि वर्मा पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं। रविवार सुबह कोठी की छत पर उनकी बेटी 22 वर्षीय शिवानी वर्मा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शिवानी की गला काट कर हत्या की गई थी। छत पर मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। युवती की हत्या की खबर पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे कमरे का साक्ष्य जुटाया। उत्तर प्रदेश के आगरा से आमिर कादरी की रिपोर्ट। पंजाब सरकार के पशुपालन विभाग की तरफ से गुरदासपुर के बटाला की पशु मंडी के मैदान में 2 दिन का पशु धन मेला करवाया गया। पशुधन मेले का उद्घाटन करने पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री तुत राजेंद्र सिंह बाजवा ने मेले में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और पशुपालन विभाग के किसानों हितेशी प्रयास को सराहा। वही केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा, सरकार किसानों का फसल के दाम बढ़ाने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर पर टैक्स लगाकर कर्ज में डूबे देश के किसानों की कमर तोड़ दी है। फायदा बहुत ज्यादा जी, किसान हुण साडा साड़िया सारिया सरकार का जोर है डाइवर्सीफिकेशन। किसान अपनी खेतीबाड़ी से अपना पूरा गुजारा नहीं कर सकता, उन थोड़ा जा नाल नाल होर काम भी जाए, होर काम च मझा गावं पालनिया बहुत जरूरी ने, वो लिए मेले लाने ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਡੰਗਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। इसी पशु धन मेले में पहुंचे गुरदासपुर पशु पालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह रंधवा ने बताया कि पंजाब सरकार के किसानों का लाभदायक धंधों से जोड़ने के लिए ये पशु धन मेले करवाए जाते हैं। इस मेले में हो रहे मुकाबले को जज करने वाले डॉक्टरों की टीम ने बताया कि इन मुकाबले में पशुओं की सेहत, उनकी चाल और सफाई जैसी कई चीज़ों को देखने के बाद ही जीतने वाले पशु को चुना जाता है। पंजाब के गुरदासपुर से परमिंदर सिंह की रिपोर्ट। भीनमाल शहर में शुक्रवार को एनकाउंटर में मारे गए भागल भीम निवासी भीम सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। इससे पूर्व शुक्रवार दोपहर में सांचोर की लाछड़ी सरहद पर एनकाउंटर के बाद परिजनों ने उसका पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शनिवार को प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और समाज के लोगों की समझाइश के बाद मामला सुलझने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जालौर भेजा गया, जहाँ मेडिकल बोर्ड की ओर से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। शाम को शव को भीनमाल में झुंझाई बस स्टैंड स्थित उसके एक परिजन के आवास पर रखा गया और सवेरे शव को भीम सिंह के निवास पर ले जाने के बाद सवेरे करीब 10 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजस्थान के जालौर से हीरालाल भाटी की रिपोर्ट। सिरोही की कालंद्री स्थित शनिधाम में जालौर सिरोही विकास परिषद की ओर से दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पुलिस प्रशासन ने उनकी अगुवाई की और पुलिस के जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद गृह मंत्री ने शनिवार मंदिर में भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद कटारिया स्नेह मिलन सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर विकास परिषद के पद अधिकारी ने भवमाला के साथ स्वागत किया और सिरोही की प्रसिद्ध तलवार स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। राजस्थान की सिरोही से लियाकत अली की रिपोर्ट। आसनसोल केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा सफाई को आधार बनाकर आसनसोल नगर निगम पर निशाना साधे जाने पर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने तथा प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बारे में रहने वालों को आसनसोल की मिट्टी अच्छी नहीं लगती है, उन्हें आसनसोल गंदा लगता है। हम आसनसोल वासी इस आसनसोल को प्यार करते हैं, हम यही पले बड़े हैं और यही की मिट्टी को प्यार करते हैं। हम आसनसोल वासी को ये शहर गंदा नहीं लगता है, यहाँ के सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ ही है, पर बारे में रहने वालों को इसका असर कहाँ। उन्होंने कहा कि बाबू सुप्रियो को आसनसोल गंदा लगता है, पर उन्हें इसी आसनसोल की जनता से वोट लेकर संसद में मंत्री बनना अच्छा लगता है। अक्सर भूल जाते हैं कि इसी आसनसोल की जनता ने उनको वोट देकर मंत्री बनाया और वही उस शहर को गंदा कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। मुमताज़ ज़वेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।